फ्री टैबलेट योजना के तहत कक्षा 9वीं को फ्री टैबलेट कब दिए जाएंगे और कक्षा 9वीं के कौन कौन से छात्र इस फ्री टैबलेट के लिए योग्य हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आज का जो हम जिसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, हरियाणा सरकार द्वारा लगभग 5 लाख फ्री टैबलेट जो है स्कूल में 9वीं तथा 10वीं 11वीं तथा 12वीं की कक्षा के छात्रों को दिए जाएंगे। इस योजना के तहत 9वीं कक्षा के छात्र इसके इंक्लूड हैं या नहीं है, इस विषय में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, हरियाणा सरकार ने 5 मई को 10वीं तथा 12वीं के बोर्ड के एग्ज़ाम के जो कक्षा के छात्र थे उनको तथा PGT के हरियाणा में 33,000 वैकेंसी जो टीचर्स थे 9वीं कक्षा के छात्रों को फ्री टैबलेट दिए जाएंगे, इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। आज की जो वीडियो हमारी रहेगी, सब आज हम बात कर रहे हैं कि 9वीं कक्षा के छात्रों को टैबलेट दिए जाएंगे या नहीं दिए जाएंगे इस विषय में। अब हरियाणा सरकार ने 620 करोड़ रुपए से टैब खरीदे गए हैं। ये सभी पर जो छात्र हैं बोर्ड की क्लासेस के तथा 9वीं तथा 11वीं के नॉन बोर्ड की क्लासेस को दिए जाएंगे। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि विद्यार्थियों को टैबलेट सैमसंग A7 Lite T225 मॉडल दिए जाएंगे। यह टैबलेट 5 मई को 3 लाख टैब बांटे गए हैं और 2 लाख टैब का वितरण मई के अंत तक किया जाएगा। अब बात कर रहे हैं कि जो टैब का आकार क्या है। टैब का आकार है 8.7 इंच, जिसका मूल्य मार्केट मूल्य है 12,400 रुपये प्रति टैब के हिसाब से है। 620 करोड़ रुपए की लागत से खरीदा गया है। इसमें इंटरनेट के लिए जो एयरटेल तथा रिलायंस की जियो जो सिम है वो इसको सिम प्रोवाइड करेंगे। इसके लिए आपके स्कूलों में, आपके कैंप में जो जियो के टावर्स वाले, अब ID वेरिफिकेशन होने के पश्चात आपको एक सिम दी जाएगी और सिम जियो तथा एयरटेल की ही डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी। टैबलेट की 1 वर्ष की गारंटी है, ख़राब होने पर कंपनी ठीक करेगी और जिसमें 50 करोड़ रुपए के PAL सॉफ्टवेयर पर 10 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है सरकार। अब बात करते हैं कि 9वीं कक्षा के छात्रों को टैबलेट कब दिए जाएंगे इसके बारे में। अब मेरे प्यारे साथियों, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमें जो मेन टॉपिक हमारा 9वीं तथा कक्षा 9वीं के छात्रों को चरणबद्ध तरीके से टैबलेट दिए जाएंगे। हरियाणा सरकार के द्वारा ये उपलब्ध जो जानकारी दी गई है एक महत्वाकांक्षी योजना है और इसे व्यवस्थित ढंग से सुचारू रूप से जो चलाई गई है 9वीं तथा के जो छात्र हैं एक व्यवस्थित ढंग से श्री मनोहर खट्टर ने कि नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश में एक मिसाल बनाने जा रहे हैं। हरियाणा सरकार के द्वारा महत्वाकांक्षी योजना का नाम ई अधिगम या एडवांस डिजिटल हरियाणा इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट विद द अपडेटेड मॉड्यूल्स का नाम इसे दिया गया है। और ये जो कक्षा हम बात कर रहे हैं 9th और 8वीं के जो छात्र हैं उन्हें भी टैबलेट दिए जाएंगे, परंतु एक योजनाबद्ध तरीके से। सबसे पहले दिए जाएंगे 10वीं क्लास को, 12वीं की जो कक्षा बोर्ड की क्लास उसके दिए जाएंगे। उसके बाद जून में 2,30,000 ग्यारहवीं के जो छात्र होंगे उनको दिए जाएंगे। इनके बाद नंबर आएगा 9वीं की कक्षा का, 9वीं कक्षा के बाद 8वीं कक्षा का इसे इंक्लूड किया गया है। बाकी इसके ऊपर एक चरणबद्ध तरीका लगेगा, चरणबद्ध तरीके के अकॉर्डिंग ही इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, छात्र टैबलेट से संबंधित या अन्य कोई महत्वपूर्ण सूचना हो तो आप हमें बताएं और आपको पूर्ण चरणबद्ध तरीके से टैबलेट दिए जाएंगे। किसी प्रकार के हताश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपको टैब के संबंधित कोई समस्या है तो आप अपने स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं, प्राचार्य हैं, हेडमास्टर से संपर्क करें, अन्यथा आपके कंप्यूटर के टीचर्स के जो अध्यापक हैं आप उनसे संपर्क करें। अगर कोई इंक्वायरी है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम आपका पूरा पूरा जवाब देंगे।